दोस्तों, स्वागत है एक और प्रिंसिपल ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं परसेंटेज रो टाइप के बारे में। सो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। सो आज का जो हमारा लर्निंग टॉपिक होने वाला है उसके अंदर हम सीखने वाले हैं व्हाट इज परसेंटेज रो टाइप, सिंटैक्स ऑफ परसेंटेज रो टाइप और एग्जाम्पल ऑफ परसेंटेज रो टाइप। इन चीज़ों को सीखने से पहले आप सभी से लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम PL SQL से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो आपका ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे इस वीडियो में। व्हाट इज परसेंटेज रो टाइप? द परसेंटेज रो टाइप एट्रीब्यूट प्रोवाइड ए रिकॉर्ड टाइप that represent a row in a database table. The record can store an entire row of data selected from the table or fetch from the cursor or cursor variable. ठीक है, so first जो आपका statement है उसका मतलब क्या है? The percentage row type क्या है? Basically आपका एक attribute है जो कि provide करता है एक record type को और जो represent करता है database table की एक row को। तो जैसा कि आप स्क्रीन शॉट में नीचे देख सकते हो कि ये एक हमारी टेबल है जिसका एक रो है, ठीक है, एक डेटाबेस टेबल की एक रो है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए रिकॉर्ड टाइप। ठीक है, तो रिकॉर्ड टाइप क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज, एक परसेंटेज रो टाइप जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप आप स्टोर करवा सकते हो, उसको हम कंपोजिट भी बोलते हैं, कंपोजिट डेटा टाइप, कंपोजिट वैल्यूज आप स्टोर करा सकते हो। जैसे एम्प्लॉय आईडी नंबर आपका हो गया, देन वेयर कैट हो गया, ठीक है, नंबर हो गया। सो इस तरीके से आप स्टोर करवाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड टाइप। ठीक है, द रिकॉर्ड कैन स्टोर ए एंटायर रो ऑफ डेटा सिलेक्टेड फ्रॉम टेबल। एक टेबल का डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, ठीक है, और फेच फ्रॉम कर्सर और कर्सर वेरिएबल। हम सेम जो रिकॉर्ड है हम वो कर्सर से भी फेच कर सकते हो, कर्सर वेरिएबल से, बट आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम सेलेक्ट स्टेटमेंट पे हम यूज करेंगे, कर्सर और कर्सर वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। तो सिंटैक्स ऑफ परसेंटेज रो टाइप, सो v_identifier देन टेबल नेम परसेंटेज रो टाइप सेमीकोलन। सो नीचे जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, डिक्लेयर देन v_identifier रिप्लेस विद v_emp, ये आपका हो गया वेरिएबल का नेम। ठीक है, रिकॉर्ड टाइप नेम, देन टेबल नेम, टेबल नेम आपका क्या हो गया emp परसेंटेज रो टाइप। ठीक है, सो इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना है रिकॉर्ड टाइप वेरिएबल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल के लिए हम चलते हैं SQL डेवलपर की तरफ। तो परसेंटेज रो टाइप भी क्या है? तरीके का वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक मेथड है। बट अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होगो कि ऑलरेडी हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन, हमने एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने सीखा हुआ है, हमने परसेंटेज टाइप एट्रीब्यूट से भी वेरिएबल डिक्लेरेशन सीखा हुआ है, तो परसेंटेज रो टाइप क्यों? सो आइए समझ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल वेरिएबल की। ठीक है, तो नॉर्मल वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं? जब आपको एक टाइप का डेटा टाइप आपको स्टोर करना हो अपने वेरिएबल के अंदर, ठीक है, जहां पर आप कंफर्म होते हो कि आप जो भी डेटा टाइप आप डिफाइन कर रहे हो उस वेरिएबल का, उसमें उसी तरीके का डेटा टाइप स्टोर आप करवाते हो। ठीक है, एक तो सिंगल वैल्यू आप स्टोर करवाते हो, ठीक है, और सेम डेटा टाइप की वैल्यू आप स्टोर करवाते हो। सेकेंड, जो इस वेरिएबल का जो ड्रॉबैक है कि अगर किसी ने टेबल लेवल पे अगर कोई भी चेंजेस करते हैं कॉलम पे, तो उसका इम्पैक्ट आपके इस वेरिएबल पे आ सकता है, जिसको हैंडल करता है परसेंटेज टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, जो कि हम जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक डेटा टाइप डिफाइन करना वेरिएबल पे। ठीक है, सो उससे क्या होता है कि आप जब भी टेबल लेवल पे कोई भी चेंज होता है तो वो आपके जो वेरिएबल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं करता, आपका जो प्रोग्राम है वो एटिटिस चलता है, कोई भी आपको इश्यूज आप नहीं देखते हो। ठीक है, जैसे हमने डिक्लेयर किया था वेरिएबल ने टेबल डॉट कॉलम ने परसेंटेज टाइप किया है इसे। ठीक है, इसको आप चला के देख सकते हो। अब हम बात करते हैं परसेंटेज रो टाइप के बारे में। तो परसेंटेज रो टाइप बेसिकली क्या होता है?
जब इस तरीके के वेरिएबल आप जब डिफाइन करते हो, जब आप एक टेबल पे, एक टेबल में आपके नंबर्स ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं, उन नंबर ऑफ कॉलम पे आपको ज्यादातर नंबर सारे जब आपके जो कॉलम्स होते हैं टेबल पे, उस पे आपको जब वेरिएबल डिफाइन करने की जब रिक्वायरमेंट आती है, तो उस केस में आप परसेंटेज रो टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जैसे कि अभी के केस में आप देखोगे कि मेरे को एक एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ईएमपी टेबल है हमारा, इसके अंदर हमें वैल्यू इंसर्ट करना है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें अपने जो भी हमारे कॉलम है उसके अंदर वैल्यू हमें असाइन करना है। सो इस केस में अगर हमें क्या करना होता, हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमें कॉलम डिफाइन करने पड़ते हैं, वेरिएबल हमें डिफाइन करने पड़ते हैं अपने डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर। बट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना, हमने क्या किया, परसेंटेज रो टाइप की हेल्प से एक रिकॉर्ड टाइप वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को किस तरीके से असाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशन विद कॉलम नेम। ठीक है, सो अब कैसे करोगे आप, वी अंडरस्कोर ई नेम जो भी आपका वेरिएबल नेम है, डॉट टेबल का कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एटिटीज होना चाहिए, अगर कुछ भी चेंज होते हैं तो आपका इशू आएगा। ठीक है, एरर्स आपको देख सकते हो। देन असाइन 102, सेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने वैल्यू से असाइन करा, देन इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यू वेरिएबल। ठीक है, रो, एक पूरी रो आपकी स्टोर हो गई। ठीक है, ये एज ए रो डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, एक सिंगल रो डिक्लेयर हो रहा है, तो उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं अपने टेबल के अंदर। आपको प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है और रन करना है, और आप देखोगे कि टेबल में वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, रन, ये आपका टेबल के अंदर रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक है, सो ये हो गया कि आप रिकॉर्ड टाइप के हेल्प से आप वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, स्टोर कर सकते हो। अब फैच कैसे कर सकते हो, सेम मेथड से फैच आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, आपने वेरिएबल डिफाइन किया रिकॉर्ड टाइप, देन सिलेक्ट स्टार इनटू वी अंडरस्कोर ई नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय आई डी 102। 102 क्या है, एम्प्लॉय आई डी जो हमने इंसर्ट किया है। ठीक है, अभी क्या है, हमारे टेबल में एक ही रिकॉर्ड है, तो अभी अगर हम इस स्टेटमेंट को अगर रिमूव कर देते हैं जब भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, बट आप ये बेस्ट तरीका नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का ही डेटा चाहिए, तो आपको उसकी एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, देन हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट करने के स्टेटमेंट हम किस तरीके से हम उस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, जो भी आपने वैल्यू को स्टोर किया है इस वेरिएबल के साथ, डॉट आपका टेबल का कॉलम नेम। ठीक है, जो भी आपके हैं एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, हमने सबको यूज किया, देन हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से आप विद द परसेंटेज रो टाइप्स के हेल्प से आप वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो और फैच कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट, अपने जो फीडबैक है उनको शेयर करके जाएं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।